आप 12 के छात्रों का वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आजकल हमारा चल रहा है वेक्टर एनालिसिस, और उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल। ये मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमारा चल रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ ये ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। उसमें मैंने पहले बताया था कि दो सदिश राशियों का जो सदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमेयता के नियम का पालन नहीं करता है, जिसमें क्रम परिवर्तन पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है ना, क्रम विनिमेयता का पालन नहीं करता है। दूसरा मैंने कहा था यह क्या करता है, वितरण नियम का पालन करता है। जो सदिश गुणनफल है वो वितरण के नियम का पालन करता है, जो किस पर निर्भर करता है, ये भी क्या करता है, क्रम पर निर्भर करता है। तीसरा मैंने बताया था कि किसी अदिश राशि का जब सदिश राशि के साथ गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका जो है सदिश राशियों के जो परिमाण है उनके साथ वो क्या हो जाता है, उसका गुणा हो जाता है। सदिश राशियों के परिमाण तथा उनके बीच जो ज्ञात कोण है उनके साथ क्या हो जाता है, वो अदिश राशि गुणा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि जब दो सदिश राशियां एक दूसरे के लंबवत हों, ठीक है, तो दो सदिश राशियों का जब एक दूसरे के लंबवत हों तो उनका जो वेक्टर गुणनफल होगा ए क्रॉस बी होगा, वो क्या हो जाता है, वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, उनके परिणामों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है ना, वो मैंने आपको इस तरीके से बताया था, ए क्रॉस बी जब एक क्या होंगे, थीटा ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90 डिग्री, साइन थीटा डिग्री। यदि थीटा हमारे पास 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए बी की। कब, जब दो वेक्टर क्या होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे, अर्थात एक वेक्टर हमारे पास ये है और दूसरा वेक्टर ये है, यदि समांतर होंगे तो वेक्टरों का जो गुणनफल होगा वो क्या होता है, शून्य होता है, ए बी साइन थीटा, और थीटा क्या होगा हमारा 0 डिग्री, तो ए बी जो है ए बी बराबर 0 बराबर 0। यदि दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो तो उनका जो वेक्टर गुणनफल होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि यदि किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ गुणा कर दें, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जो सदिश गुणनफल होगा वो क्या होगा, अगला हमारे पास था किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ, माना ए वेक्टर ए है और उसका उसी के साथ क्या कर देते हैं, वेक्टर गुणनफल कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब चूंकि दोनों की दिशा, माना सपोज ए है और ए भी क्या है, दूसरा वेक्टर हमारे पास ए भी क्या है, ए है, यदि दोनों की का परिमाण तथा दिशा क्या है, समान है, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, थीटा बराबर जो है 0 डिग्री, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 0 डिग्री बराबर 0। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा बच्चों मैंने एक चीज और बताई थी आपको, इसमें जो है इसमें दो महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, इसमें दो महत्वपूर्ण है, यदि हमारे पास जो समकोणिक एकांक वेक्टर है, जो एकांक वेक्टर है, एकांक जो सदिश है, समकोणिक एकांक जो सदिश, एकांक जो सदिश है समकोणिक, मतलब जैसे हमने बताया था वो है एक्स वाई और जेड, जब जो ऑर्थोगोनल जो वेक्टर्स होते हैं इसको हम आई जे और के से डिनोट करते हैं, एक्स एक्स वाई एक्स, तो इनका जो गुणनफल है एकांक वेक्टरों का जो है आपस में परस्पर जो गुणनफल होता है, जब एक के जब ये क्या होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। ठीक है, तो एक के सापेक्ष दोनों क्या है, लंबवत हैं, एक के सापेक्ष दोनों लंबवत होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो है दो एकांक वेक्टरों का जो गुणनफल होता है आई क्रॉस जे बराबर हो जाएगा माइनस जे क्रॉस आई बराबर क्या हो जाएगा, के। ठीक है, उसी प्रकार जे के बराबर हो जाएगा के इंटू जे माइनस में, इसका वैल्यू भी क्या होती है, ये हो जाएगी आई, और उसी प्रकार से तीसरा हमारा है, ठीक है, जे के आई के क्रॉस आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई क्रॉस के, जो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जे लिख सकते हैं।
तो देखिए बच्चों, तीनों का जो परिणाम के आय और जे, जो ये हमारे जो सदिश राशियों का जो जो मान होता है वो क्या होता है, एक होता है। हम इसका वैल्यू क्या लिखते हैं, वन। ठीक है, तो ये जो है, यदि हमारे पास जो समकोणिक सदिश है, एकांक जो समकोणिक सदिश है और परस्पर लंबवत है, तो उन सदिशों का आपस में गुणनफल होता है आय क्रॉस जे, उसका उल्टा हो जाएगा। यदि जे क्रॉस आय है तो माइनस हो जाएगा, उसको हम के लिख सकते हैं। के क्रॉस जे क्रॉस के को हम माइनस के क्रॉस जे दे सकते हैं, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं आय से। के क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के, इसको लिख सकते हैं जे। इन तीनों की जो परिमाण होता है, यूनिट वेक्टर का मान क्या होता है, वन होता है, ये आप जानते हैं। तीसरा बच्चों, हमारे पास जो तीसरी चीज है कि यदि दो सदिश एक दूसरे के क्या है, यदि जो एकांक जो सदिश हैं उनका जो है, एकांक जो सदिश हैं, यदि एक सदिश का दूसरे सदिश के साथ गुणा करते हैं, फिर वही कंडीशन, दूसरी वाली कंडीशन है, ये आई है, ये जे है, ये के है, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड है। अब हम आई का आई में ही क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, एकांक सदिश का उसी सदिश पर गुणा कर देते हैं। दूसरी चीज हमारे पास थी, जो समकोणिक एकांक वेक्टर होते हैं उनका एकांक एक सदिश का दूसरे सदिश में, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, एक सदिश का उसी सदिश पर गुणा करने पर क्या हो जाएगा, आई क्रॉस आई, ये हो जाता है आई स्क्वायर साइन थीटा, और थीटा यदि हम आई का आई के साथ गुणा करते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, ये हो जाएगा जीरो जीरो और जीरो। ठीक है, एकांक सदिश का किसी एकांक सदिश का उसी में एक दूसरे में गुणा करने पर आप, ठीक है, वो क्या हो जाता है, मतलब एकांक सदिश का जो सदिश गुणनफल होता है, एकांक सदिश का उसी सदिश में जो सदिश गुणनफल होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। अब बच्चों, अब वेक्टरों का जो समकोणिक घटक होते हैं, वेक्टरों के जो समकोणिक घटक होते हैं, अगला जो गुण है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश राशियों का जो सदिश गुणनफल के जो गुण है, कि वेक्टरों का जो समकोणिक सदिश है, वेक्टरों के समकोणिक सदिश एक्स वाई जेड, वेक्टरों के समकोणिक सदिश एक्स वाई जेड में, समकोणिक सदिश में किन्हीं दो वेक्टरों का आपस में जो वेक्टर गुणनफल होगा, मैं दो वेक्टरों का सदिश गुणन, वेक्टरों के समकोणिक सदिश एक्स वाई जेड में दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल। ए वेक्टर है हमारे पास ए, उसको हम जो उसका जो समकोणिक सदिश हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड। उसी प्रकार से b इज इक्वल टू हो जाएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, ये जो है, यदि हमारे पास दो सदिश है उनका जो सदिश गुणनफल हो जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू हो जाएगा, अब हम यदि इसको गुणा करते हैं तो देखिए ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। उसी प्रकार से गुणा कर देंगे हम इनको बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, तो बच्चों हम गुणा करेंगे, देखिए इस तरीके से गुणा करते हैं, ए एक्स का बी एक्स में, ए एक्स बी एक्स आई प्लस, ठीक है, ए एक्स बी वाई जे, देखिए आई क्रॉस जे ये भी हो रहा है, ये हो जाएगा आई क्रॉस आई, ठीक है, प्लस ए एक्स बी जेड, ये हो जाएगा आई क्रॉस के प्लस, अब इसका गुणा हम किसमें करेंगे, इसमें करेंगे ए वाई बी एक्स
ये हो जाएगा j क्रॉस i प्लस ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई j क्रॉस j प्लस ए वाई बी जेड जे जे क्रॉस के, ठीक है। ए गुणा ये वाली वैल्यू है, ए जेड की वैल्यू बोलते हैं ए जेड बी एक्स आ जाएगा के ए जेड बी वाई के क्रॉस के, उसी प्रकार से बी जेड प्लस है ये हो जाएगा के क्रॉस के। अब बच्चों हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया है, हमने जो अभी आपको जो एकांश जो समकोणिक एकांक जो सदिश है हमने आपको बताया था, समकोणिक एकांक वेक्टर में आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के सब क्या है जीरो, ये वाली वैल्यू हमारे पास सब क्या हो गई जीरो हो गई। तो हम इसको यदि कैलकुलेट करना चाहें, यदि हमारे पास न्यूमेरिकल होगा, ए की वैल्यू दी होगी बी की वैल्यू दी होगी, तो हम देखिए किस तरीके से करते हैं। तो हमारा आई वाला भी जीरो, जे वाला भी जीरो और के वाला भी क्या हो गया जीरो, किसके अनुसार संपूर्ण जो सदिश वेक्टर है एक वेक्टर का उसी वेक्टर से गुणा करने पर आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के वो शून्य हो गए। तो बचा क्या देखिए, और दूसरी चीज हमारा होता है, दूसरी चीज हम जानते हैं समकोणिक एकांक सदिश का आई क्रॉस जे बराबर माइनस जे क्रॉस आई, जिसको हम क्या लिखते हैं कि दूसरा मैंने बताया था जे क्रॉस के बराबर ये उल्टा लिख दे तो के क्रॉस जे ये हो जाएगा आई, तीसरा मैंने बताया था आई जे जे के आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई क्रॉस के, ठीक है के आई हो जाएगी आई, इसको लिख अब देखिए इसे आप परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए ये तो शून्य हो गया आई क्रॉस आई, ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे को हम क्या लिखते हैं के, क्लियर है, प्लस ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई प्लस ए एक्स बी जेड को हम लिख रहे हैं आई क्रॉस के, और आई क्रॉस के तो ये हो जाएगा माइनस जे, उल्टा लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस जे, इसको हम क्या कर देते हैं माइनस जे, तो धन ऋण का ऋण ये हो जाएगा जे, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे पास हो जाएगा, उसी प्रकार से ये वाला हो गया, ये हो गया, अब प्लस ए वाई बी एक्स ये हो जाएगा हमारा जो है जे आई, जे आई को हम क्या लिखते हैं जे आई मतलब आई इंटू जे को, या जे को क्या लिखते हैं माइनस जे आई, ये हो जाएगा के, ये बच्चों के हो जाएगा माइनस के होगा, ये क्या होगा माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये भी हमारा क्लियर हो गया, जे क्रॉस जे हमारा शून्य हो गया। अब यहां पे देखेंगे आप प्लस ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के को हम लिख सकते हैं आई, जे क्रॉस के को क्या लिखा हमने आई, ठीक है, प्लस जे क्रॉस के ये आ गया आपका ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई को हम लिख सकते हैं जी, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद है ए जेड बी वाई प्लस ए जेड बी वाई को के क्रॉस जे मतलब माइनस आई, इसको लिख देंगे माइनस आई, तो माइनस हो गया, तो ये धन्यवाद कर लें ये हो गया आई, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा हमारा के क्रॉस के शून्य। अब हम देखेंगे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे को क्या प्राप्त होगा यह हमने देखना है। तो ए क्रॉस बी हमारा निकला ए क्रॉस बी बराबर, अब देखिए
आई वाली वैल्यू हम पहले ले लेते हैं, आई ये है तो ए वाई बी जेड आई माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आई वाली वैल्यू आ गई। फिर हम ले रहे हैं जे वाला, जे हमारे पास है, जे वाली वैल्यू हमारे पास है प्लस ए जेड बी एक्स जे माइनस ए, ये है आपका ए एक्स बी जेड, ये क्या हो जाएगा जे। अब फिर हम के की वैल्यू लेते हैं, प्लस के वाली वैल्यू हमारे पास है प्लस के प्लस ए एक्स बी वाई के, और ये हो जाएगा माइनस ए वाई बी एक्स ए की। तो बच्चों हमने कॉमन क्या लेना है, देखिए यहाँ पे आई कॉमन है तो हमारा हो गया आई, तो हमने लिखता है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, माइनस जे हम यदि कॉमन ले लेते हैं, माइनस जे कॉमन लो तो ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तीसरा है हमारा प्लस के, ये हो गया यहाँ भी के है यहाँ भी के है, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर आई लिख दें, इसका जो है मैट्रिक्स में हम यदि इसको लिखें ए एक्स ए वाई बी वाई, ठीक है, ए जेड क्या हो जाएगा बी जेड, ठीक है, माइनस जे ए एक्स ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। देखिए ए एक्स बी जेड ए जेड ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ये हो गया प्लस के, ये हो जाएगा बच्चों ए एक्स बी ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। देखिए बच्चों हमारा मैट्रिक्स के रूप में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आई बराबर ए जेड ए वाई बी जेड ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, माइनस जे में लिख सकते हैं ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के ए एक्स बी वाई ए एक्स माइनस ए वाई बी एक्स। तो बच्चों इस तरीके से जो है हमारा वेक्टरों का जो समकोणी घटक होते हैं एक्स वाई जेड में, उनमें दो वेक्टरों का जो सदिश गुणनफल होता है उसको हम इस तरीके से करते हैं। इससे संबंधित भी न्यूमेरिकल्स बच्चों हमारे पास आते हैं और हम इनको न्यूमेरिकल्स को हमें करना होता है। तो एक न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा बच्चों, जो हमने अभी वेक्टर राशियों का वेक्टर जो वेक्टरों का जो समकोणिक जो सदिश है जो जो समकोणिक सदस्य है उसमें दो वेक्टरों के ये जो सूत्र निकाला ए क्रॉस बी जो हमने निकाला उसी से संबंधित हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है बी की वैल्यू दे रखी है, तो इन वेक्टरों की लंबवत दिशा में एकांक वेक्टर हमने निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हमने निकालना है ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का जो परिणाम हम बोल रहे हैं माना सपोज सी है, ठीक है, तो इस सी का हमने एकांक वेक्टर भी निकालना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में हम कैसे करेंगे इसको, ए क्रॉस बी में हम निकालते हैं बच्चों इस तरीके से आई जे और के, हमारे पास एकांक सदिश हैं समकोणिक सदिश हैं आई जे के, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है दो, ठीक है, जे की वैल्यू क्या है वन, के की वैल्यू क्या है एक, बी में देखिए आई की वैल्यू क्या है वन, जे की वैल्यू क्या है माइनस वन, और के की वैल्यू क्या है दो। इस तरीके से बच्चों हम इसको करते हैं, मैंने आपको इस तरीके से बताया था इसको, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इसलिए अब हम जो है जैसे ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर आई, यदि हम आई को ले रहे हैं तो हम इस तरीके से ये हो जाएगा टू वन जा टू माइनस
1 1 1 ऋण का एक ही ऋण का धन हो जाएगा। फिर दूसरा मैंने क्या बताया था, सूत्र क्या माइनस जे था, तो माइनस जे के लिए हम क्या करते हैं, अब इसको मिटा देंगे और इसको मिटा देंगे। तो माइनस जे के लिए ये वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं आएगी, ठीक है। जे के लिए जो है हमारे पास क्या आएगा, जे के लिए जो है ये वाला कॉलम नहीं आएगा, ये दोनों आएंगे, ठीक है ना। जे के लिए हमारे पास क्या नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो ये आएगा, तो ये हो जाएगा दो दुना चार माइनस ए का एक, ठीक है। प्लस के हम निकालेंगे बच्चों, तो के हो जाएगा। अब के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए के निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला ग्रुप नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा दो एकम दो ऋण दो और ऋण एक एकम एक, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमने जो है आपको इस तरीके से ये बताया, ठीक है बच्चों। ये जो है हम इसको ये शॉर्टकट मेथड में आपको बताया, ये हो जाएगा आपका ए का मान क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2। समझ में आ रहा है, एक बार पुनः बता रहा हूं कि जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो हमने इस तरीके से निकाला, ठीक है, आई जे के। तो ये हो जाएगा बच्चों 3i माइनस 4 में से 3 एक गया 3 फिर जे माइनस ऋण का धन माइनस 3। तो बच्चों ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी अर्थात सी। अब हमने क्या निकालना है, इसका एकांक वेक्टर निकालना है। तो सी का एकांक वेक्टर हो जाएगा, सी इक्वल हो जाएगा सी का परिमाण इंटू एकांक वेक्टर, माना सपोज ए है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बराबर एकांक वेक्टर बराबर हो जाएगा सी बटे सी, जो सी का मतलब परिमाण ही निकाला। तो सी का परिमाण हम निकाल देते हैं, सी का परिमाण हमारे पास निकल गया, सी का जो परिमाण हो जाएगा, सी का परिमाण हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 तीन तीन 27 ये हो जाएगा 27, ठीक है। तो 9 3 27 इसको हम ले सकते हैं अंडर रूट 9 बढ़ा गया 3, 3 का परिमाण ये हो जाएगा 3 रूट 3, ठीक है। अब हमारा जो है अब हम वैल्यू रख देते हैं। अब हमने जो है एकांक वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, एकांक वेक्टर निकालना है ए बराबर सी की वैल्यू हमारे पास थी, एकांक वेक्टर हमारे पास निकला 3i माइनस 3j माइनस 3k अपॉन ये हो जाएगा जो मोड है सी की जो वैल्यू है वो है हमारा 3 रूट 3। तो हम इसको लिखेंगे बच्चों, देखिए हमने कहा जो एकांक वेक्टर होता है, जो सदिश होता है, किसी सदिश का बराबर बराबर हो जाएगा सदिश बटे सी का परिमाण। परिमाण के लिए सूत्र होता है, सी का जो परिमाण का सूत्र होता है, सी का परिमाण का सूत्र होता है अंडर रूट, सी का जो परिमाण का सूत्र होता है जो है सी का परिमाण का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यह हमारे पास जो ये वैल्यू है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए एक्स आई है या ए जो है ए की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग धन सॉरी ये जो है जो हमने निकाला, ये जो वैल्यू निकाली, ठीक है, जो मैंने आपको निकाल के यहाँ पे बता दिया। तो ये निकालेंगे ए बराबर हो जाएगा 3 बटे 3 रूट 3 आई माइनस 3 बटे 3 रूट 3 जे माइनस 3 बटे 3 रूट 3 हो जाएगा के। 3 से 3 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल। तो बच्चों ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बटे अंडर रूट 3 माइनस जे बटे अंडर रूट 3 माइनस के बटे अंडर रूट 3। तो ये जो है ये हमारा जो है सवाल निकल गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसके अलावा भी मैं आपको एक सवाल और बताना चाहूंगा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ये वेक्टर प्रोजेक्ट से संबंधित। चित्र कीजिए कि ए
वेक्टर दिस वेक्टर वाई माइनस थ्री से माइनस के तथा बी वेक्टर देखा माइनस सिक्स आई प्लस नाइन प्लस थर्टीन जे ठीक है और माइनस जो है आपका नाइन जे है माइनस नाइन जे ठीक है और प्लस थ्री के तो परस्पर समांतर है। तो परस्पर समांतर के लिए मैं कहा था कि दो सदिश राशि जब एक दूसरे के समांतर होंगे तो उनका जो सदिश गुणनफल होगा ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा इसके बराबर होगा शून्य होता है। ये कंडीशन होगी कब यदि यदि वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो यदि वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो तो ए क्रॉस बी क्या होता है जीरो होता है। यहां पे हम निकाल सकते हैं बच्चों ए क्रॉस बी एक बार पुनः ए क्रॉस बी निकालेंगे हम तो ये क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए। तो बच्चों आई जे और के ये मैंने बताया इस तरीके से हम लिखेंगे ये मैट्रिक्स की भाषा है। तो ये है टू आई आई की जगह पे टू जे की जगह माइनस थ्री ए की जगह माइनस वन मतलब जे का गुणांक माइनस थ्री ए का माइनस वन आई का टू। उसी प्रकार से दूसरे उसमें देखिएगा आई का माइनस सिक्स जे का नाइन प्लस नाइन के का थ्री। अब हम इसको गुणा करेंगे तो देखिए आई ले लिया बराबर तीनतिया नौ ऋण नौ माइनस नौ एकम नौ माइनस है माइनस यहाँ ऑलरेडी होता है प्लस नाइन ओके प्लस जे सॉरी क्या होता है माइनस जे होता है जे जे के लिए हम क्या लेंगे जे के लिए हम क्या लेते हैं आई के लिए हमने ये वाला और ये वाला ये कॉलम ये रो और ये कॉलम हटा दी तो ये लिया जे के लिए हमने ये ले लिया ये कॉलम हटा दी ये नहीं लेंगे और ये वाला कॉलम नहीं लेंगे तो तीन दोनों छः और छः एकम छः ऋण का धन और ऋण सिक्स हो जाएगा ठीक है। अब प्लस के हो जाएगा हमारा के लिए हम जो है इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को नहीं लेते तो नौ दोनों अठारह और छतिया अठारह ऋण का धन तो माइनस पॉजिटिव होता है अठारह धन अठारह ऋण सिक्स धन सिक्स धन नाइन ऋण नाइन कैंसिल तो बराबर जीरो अर्थात ए क्रॉस बी जब दो सदिश राशियों का जो सदिश गुणनफल होता है दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल यदि दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो तो उनका जो सदिश गुणनफल होता है वो शून्य होता है। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को कराने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस लेसन को करने में सक्षम हो जाएंगे इस लेसन के क्वेश्चनों को हल करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।